इस पे आपको कुछ एक वेरिएशन दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना वर्सेटाइल है, कितनी इसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं। ये लॉन्ग हैंडल है जो मैंने आपको दिखाया था ना, लॉन्ग हैंडल वहां पे लगा हुआ था। तो लॉन्ग वन फुट हैंडल का एक सबसे पहला यूज बहुत इजी, ये दो बैंड लगा रखे हैं मैंने इसमें, थोड़े से टफ हो जाते हैं दो बैंड लगाने। अगर इसको इजी करना है तो हम इसको ये चेस्ट की एक्सरसाइज है, यू ये थोड़ा सा टफ हो रहा है। अगर मैं इसमें एक बैंड कम कर दूं चारों तरफ से, इधर से भी एक बैंड कम कर दूं और इधर से भी, इजी है बैंड कम करना, बहुत आसान है। इसमें से एक एक बैंड मैंने कम कर दिया, दोनों में से ये चारों बैंड कम हो गए, अब बहुत इजी है, अब ये बहुत इजी है, अब मैं इसको कहीं भी करके इजी कर सकता हूं। ये इजी है और इसमें आप इसको वर्सेटाइल कर सकते हो। अगर एक बैंड ऊपर और एक बैंड नीचे है तो इसका मतलब न्यूट्रल है। अगर आप इसमें दो बैंड ऊपर लगा दो, दो बैंड ऊपर लगा दो और एक बैंड नीचे रहेगा तो इसको बराबर करने में फिर आपकी डिफरेंट मसल का यूज हो जाएगा, फिर आपके अलग मसल चलेगी। तो एक तो ये इसका लॉन्ग हैंडल का यूज हो गया। अब इसके बाद मैं आपको किस हैंडल का यूज दिखाता हूं, जो आप जिम में यूज करते हो वही यूज है, बहुत इजी। ये इसमें मैंने रेड बैंड लगा रखा है, ये थोड़ा सा हैवी बैंड है, सेम इसमें जो भी आप जिम में एक्सरसाइज करते हो, केबल फ्लाई करते हो, नीचे करके ऊपर करके जो चेस्ट की वेरिएशन होती है वो सारी आप इसमें कर सकते हो। ये इजी है, ये रेड बैंड के साथ यू इसमें आप सारी कर सकते हो। फिर अगर आपको इसमें वेरिएशन चेंज करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको बस फट से, आपको फट से ये कैरा बैंड में चेंज कर देंगे, आपकी लोकेशन चेंज होगी, आपका मसल ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। ये हो गई। अगर इसमें आपको नीचे वाली वेरिएशन करनी है आप आसानी से यू नीचे वाले में लगाओ, नीचे वाले में लगाओ और जो भी ये वाली जो एक्सरसाइज है आप कर सकते हो। ये तो था इस हैंडल का यूज। अब मैं आपको दिखाता हूं बारबेल का क्या यूज है। बारबेल के भी मल्टी यूज है, आप इस पे चाहे आप इससे चेस्ट प्रेस कर सकते हो, तो बैलेंस डिफिकल्ट है क्योंकि मशीन में क्या होता है कि मशीन की खुद की स्टेबिलिटी होती है, सिर्फ आपका मूवमेंट होता है, लेकिन इसकी खुद की ना तो स्टेबिलिटी है ना इसका खुद का मूवमेंट है। आप इसमें इसको स्टेबल करोगे आपकी मसल से, आपके जॉइंट से, और आप ही इसमें ताकत लगाओगे तभी ये स्टेबल होगा। तो ये आपको डबल बेनिफिट देता है, आपकी मसल को भी स्ट्रांग बनाता है, आपके जॉइंट्स को भी स्ट्रांग बनाता है। ये बॉडी लूज नहीं छोड़ सकते आप, इसमें भाग जाएगी यू। फिर बड़े सारे आप इसमें नीचे बैठ के ये जो जिम एक्सरसाइज होती है ना, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत आसान से ताकत लगे, रेड बैंड है यू। ये हो गया बार बैंड का यूज। अब मैं आपको बड़ा सा अच्छा यूज दिखाता हूं कार्डियो स्टिक का। ये जो कार्डियो स्टिक मैंने आपको बताई, ये कार्डियो स्टिक है, इसको अगर आपको सिंपल हैंग करना है तो आप यहां लगा के रखो, और आपका इसका यूज करना है आपको तो इसको कैरा बैंड को ऐसे घुमाओ और इसको जो ये साइड है, ये साइड फ्री है घूमती है तो इजी आपका मूवमेंट हो जाएगा। इस कैरा बैंड को इधर फिक्स करना है, इजी टू फिक्स है यू। अब आपको आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ग्रिप करनी है। अगर आप बेसिक आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो इसको बाहर से पकड़ लो, ये कोर कर सकते हो आप यू, ये कोर की एक्सरसाइज है। आप ग्रिप थोड़ी हल्की कर लो और थोड़ा सा दूर ले जाओ, ये मसल ग्रुप चेंज हो जाता है। आप अगर कोई स्पोर्ट्स करते हो ऐसे तो ये कार्डियो स्टिक का बड़ा प्यारा सा यूज है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। वापस इसको ऐसे ही फिक्स करके आप इसको
लगी भी छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। उसके बाद मैं आपको यूज बता रहा था ये जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी सर्वाइकल के लिए, हमारी स्पाइन के लिए, हमारे शोल्डर का पोस्चर ठीक करने के लिए, इसके बड़े सारे यूज हैं। एक सिंपल यूज मैं आपको दिखा देता हूं। यहां आपने यहां पे इसको लगाया, बहुत कंफर्टेबल है, कहीं पे भी चुभेगा नहीं आपको, हर्ट नहीं करेगा कहीं पे भी। यू खड़े हो गए आप, सिंपल आपने सपोर्ट ले लिया वॉल से, या आपके अगर घर में वॉल बार है तो बहुत अच्छा है। यू ये मूवमेंट आप करो इसका, ये अच्छे से ग्रिप कर लो ये, फिर ऐसे होल्ड करो, छोड़ सकते हो तो हाथ छोड़ दो। ये आपकी पूरी स्पाइन को लेंथन करता है, आपकी पूरी स्पाइन को स्ट्रांग बनाता है यहां, क्योंकि आप अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके लूज करके खड़े नहीं हो सकते, आपको खड़ा ही आपको सीधा करके होना पड़ेगा। आपकी पीछे से स्पाइन को लेंथन करता है, आपके हाइट बढ़ाता है। जिन लोगों का पोस्चर खराब हो जाता है वो पोस्चर ठीक करता है। आप ऐसे 5 मिनट खड़े हो जाओगे तो जो आपका पोस्चर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप खुद फील करोगे कि मेरा पोस्चर अच्छा हो। एक यूज इसका ये हो गया, बहुत आसान है कनेक्ट करना, मैं आपको दिखाता हूँ। यूं आपने जैसे ये आपने आपके थाई पे फट से कनेक्ट कर दिया, आप खड़े हो गए यूं, फिर आपको ये आपने कनेक्ट कर दिया इसके साथ यूं। अब आप अपनी नी की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, जब आप इसको पीछे दबाओगे तो ये आपके, जिन लोगों की नी में तकलीफ होती है, नी में प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे अपनी नी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक कम पड़ रहा है तो आपको और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बढ़ाना है, तो अभी आपको रेड बैंड पे नहीं जाना, तुरंत आपको रेड बैंड पे नहीं जाना, आपको क्या करना है कि एक और बैंड इसके साथ सिंपली कनेक्ट कर देना। अभी टफ हो गया, अभी टफ हो गया है, यू होल्ड करो यू, आपको बेसिकली यहाँ पे होल्ड करना है, ये आपके घुटने को पीछे छोड़ खींचेगा, आपको दबाना है। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग है, नी के लिए बहुत अच्छी है ये, और बहुत आसान है खुलने में, ऐसा नहीं है कि अब फंस गए तो और तकलीफ होगी निकालने में, इजी, बहुत आसान है।